यूपी में स्पीकर नो लाउड, सीएम योगी का बड़ा आदेश, एक्शन में दिख रही यूपी पुलिस, मंदिर हो या मस्जिद नॉट लाउड। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के तर्ज पर सीएम योगी की सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले से कई धर्मगुरुओं और मौलवियों को परेशानी हो सकती है, नाराजगी भी हो सकती है, लेकिन ये कदम उत्तम प्रदेश के लिए काफी उत्तम है। इसीलिए बहुत सारे मंदिर और मस्जिद के प्रबंधक खुद आदेश का पालन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लाउडस्पीकर हटाओ मॉडल लेकर आए हैं। प्रदेश भर में स्पीकर उतारने का सख्ती से आदेश दिया गया है। सीएम योगी ने अपने अफसरों से सख्त लहजे में कहा है कि मंदिर हो या मस्जिद, आरती हो या अजान, धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर अगर नियम तोड़ रहे हों तो उस पर तुरंत एक्शन लिया जाए, उसे उतारा जाए। राज्य सरकार के आदेश के बाद से मंदिर मस्जिद से लाउडस्पीकर उतारे जा रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नोएडा में मंदिर और मस्जिद से लाउडस्पीकर उतारे जा चुके हैं। इसके अलावा कानपुर में एक नहीं कई मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटा दिए गए हैं जिनकी वॉइस लाउड थी। वहीं लखनऊ से महज पौन घंटे की दूरी पर मौजूदा बाराबंकी में मस्जिद के मीनार से लाउडस्पीकर उतारे गए हैं। पुलिस जिनकी भी तेज आवाज गूंजती हुई सुन रही है उन पर फौरन एक्शन ले रही है। वहीं फिरोजाबाद में तो पुलिस ने सबसे पहले सभी को कानून समझाया, फिर मस्जिद कमेटी के लोगों ने अलग अलग जगहों से खुद ही मीनार पर चढ़कर लाउडस्पीकर को हटाने लगे, जिन्हें उतरवाने का आदेश खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया है। रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक की थी। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने ये बैठक ली थी। इस दौरान लव जिहाद और धार्मिक स्थलों पर नियम तोड़ने को लेकर लाउडस्पीकर पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने अफसरों की पीछ कसे तो सोमवार को तुरंत अधिकारी लाउडस्पीकर हटाओ अभियान में जुट गए। दरअसल नियम कहता है कि धर्मस्थल पर बजने वाले लाउडस्पीकर की आवाज उसके परिसर के बाहर नहीं जानी चाहिए। ऐसे अभियान की शुरुआत पिछले ही साल योगी आदित्यनाथ ने करी थी, जिसकी तारीफ कई नेताओं ने की थी। तब मुख्यमंत्री ने ये तक बताया था कि लाउडस्पीकर उतारे गए हैं, इनका सही इस्तेमाल अब कैसे किया जाए। आपको बताते चलें कि इंसान के कान के लिए 70 डेसिबल तक की आवाज सामान्य होती है। हालांकि भारतीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानकों के मुताबिक ये लिमिट 65 डेसिबल तक निर्धारित की गई है। जब हम और आप यानी दो इंसान आपस में सामान्य आवाज में बात कर रहे होते हैं तब आवाज 60 डेसिबल होती है। उत्तर प्रदेश सरकार सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी CPCB की गाइडलाइन को मानती है, जिसके तहत रिहायशी इलाकों में दिन के समय में 55 और ज्यादा शोर नहीं होनी चाहिए और रात के समय में 45 डेसिबल से ज्यादा शोर नहीं की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।